वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ये सोचकर कि टाटा मैजिक एक्सप्रेस 10 सीटर खरीदी जाए या मारुति इको 7 सीटर खरीदी जाए, तो ये वीडियो आपका कंफ्यूजन दूर कर देगी। बस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। मैजिक एक्सप्रेस जो कि टाटा कंपनी का प्रोडक्ट है और इको 7 सीटर जो मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट है, आइए देखते हैं और जानते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सी गाड़ी बेस्ट है। तो आइए बात करते हैं दोनों गाड़ी के बीच क्या डिफरेंस है। जहां टाटा मैजिक एक्सप्रेस 10 सीटर का इंजन सीसी होगा 800 सीसी डीजल इंजन में, वहीं मारुति इको 7 सीटर 1200 सीसी में मिलेगी पेट्रोल इंजन में। टाटा मैजिक एक्सप्रेस 10 सीटर में 2 सिलेंडर मिलते हैं, जबकि मारुति इको 7 सीटर में 4 सिलेंडर मिल जाते हैं। मैजिक एक्सप्रेस का मैक्स पावर होगा 33 किलोवाट 3750 आरपीएम पर, मैक्स टॉर्क होगा 110 एनएम 1700 से 2000 आरपीएम पर, जबकि इको 7 सीटर का मैक्स पावर होगा 59.4 किलोवाट 6000 आरपीएम पर और मैक्स टॉर्क होगा 104.4 एनएम 3000 आरपीएम पर। मैजिक का फ्यूल टैंक 30 लीटर का है, जबकि इको 7 सीटर का 32 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। यहां दोनों में टायर साइज सेम मिल जाता है, 13 इंच का टायर मिलता है। मैजिक एक्सप्रेस 10 सीटर का व्हील बेस होगा 2100 mm, जबकि मारुति इको 7 सीटर का व्हील बेस होगा 2350 mm। मैजिक की लंबाई होगी 3790 mm, इको की लंबाई होगी 3675 mm। मैजिक की चौड़ाई होगी 1500 mm, ऊंचाई होगी 1890 mm, इको की चौड़ाई होगी 1475 mm और इसकी ऊंचाई होगी 1825 mm। टॉप स्पीड दोनों की सेम है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। मैजिक का टर्निंग रेडियस होगा 4.3 mm, इको 7 सीटर का टर्निंग रेडियस होगा 4.5 mm। माइलेज की बात करें तो मैजिक का माइलेज लगभग 21 तक का मिल जाता है, जबकि इको 7 सीटर का माइलेज लगभग 19 तक आपको मिल जाएगा। मैजिक का कर्व वेट होगा 1200 kg, जबकि इको 7 सीटर का होगा 935 kg। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो मैजिक में आपको 9 सीटर मिल जाता है ड्राइवर छोड़कर, और इको 7 सीटर में आपको 7 सीट्स मिल जाती हैं ड्राइवर छोड़कर। मैजिक में आपको 2 कलर मिल जाते हैं, वाइट और येलो, जबकि इको 7 सीटर में आपको 5 कलर मिल जाते हैं। दोनों में ही आपको AC नहीं मिलेगी। बात करें अगर फोल्डेबल डोर की, तो मैजिक में आपको फोल्डेबल डोर मिल जाती है, जबकि मारुति इको 7 सीटर में स्लाइडिंग डोर मिलती है। बात करते हैं दोनों के एक्स शोरूम प्राइस की। टाटा मैजिक एक्सप्रेस 10 सीटर का एक्स शोरूम प्राइस होगा 7,35,000 रुपये लगभग, जबकि मारुति इको 7 सीटर का एक्स शोरूम प्राइस होगा 5,55,948 रुपये लगभग। ओवरऑल दोनों गाड़ी के कंपैरिजन की बात की जाए तो टाटा मैजिक एक्सप्रेस मजबूती में इको से बेस्ट है। सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और डीजल इंजन में है, लेकिन इंजन कैपेसिटी में इको से कम है। मैक्स पावर इको से लगभग आधी है। प्राइस की बात करें तो मैजिक की कीमत इको से काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 1,79,000 का फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों गाड़ी के बीच जो डिफरेंस था वो बता दिया है। अब आप डिसाइड करें कि आपको फीचर्स और कीमत के हिसाब से कौन सी गाड़ी चूज़ करना है। अगर आपको ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा सीट्स चाहिए तो आप टाटा मैजिक एक्सप्रेस 10 सीटर चूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास बजट कम है तो आप मारुति इको 7 सीटर चूज़ कर सकते हो। तो ये था कंपैरिजन मैजिक एक्सप्रेस और इको 7 सीटर के बीच में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। Bounce.